ये है पैंथर, जर्मन शेपर्ड नॉर्मली काफी अग्रेसिव होते हैं बट ये काफी फ्रेंडली है और जिबी में मेरा नया दोस्त। Hey guys, good morning. Day 3, जिबी ट्रिप हिमाचल। ब्रेकफास्ट हो गया है, धूप हो रही है और सुबह सुबह नहा लिए हम जाके पीछे नदी में। अभी का प्लान है वी आर गोइंग टू जलोरी पास। जलोरी पास में एक ट्रैक है 5 किलोमीटर्स का, दैट इज रघुनाथ फोर्ट। तो अभी एकदम अपहिल है यहाँ का, जलोरी का थोड़ा सा ड्राइव टफ है और रोड भी थोड़ी खराब है, बट वी आर गोइंग एंड स्टे ट्यून्ड टू द ब्लॉग एंड एज आई से ऑलवेज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स मीट टू जलोरी पास। जय माता दी। चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसके बाद देखते हैं आज का कैसा रहता है सब। यहाँ से जलोरी पास इस 10 किलोमीटर स्टेड अवे अपहिल और रोड तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी नैरो है। So, turns पे always honk and drive slow, मजे लेते हुए पहाड़ों के। So, last year हम बालाराचला गए थे। बालाराचला का road was much better thanks to BRO. तो यहाँ पे BRO का control नहीं है तो राम भरोसे थोड़ा सा है road. बाकी जगह इज ब्यूटिफुल। आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और जैसा बोला था भैया ने कि रोड जो ड्राइव है काफ़ी टफ है, अभी तक तो ओके लग रही है बट स्टिल हवा में ना उड़े, आराम से चलाए। यही मेरी रिकमेंडेशन रहती है हमेशा। एंड sensible driving is very important, क्योंकि जब आप drive करते हैं you're only responsible not for yourself, आगे सामने जो roads पे लोग हैं उनके भी आपकी responsibility है। तो हमारी वजह से कभी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, that is my vision always। और चले बढ़ते हैं आगे। बारिश भी हुई है कल तो एक रेनकोट भी रख लिया है, ये सब चीज़ें कैरी करना मस्ट, थोड़ा बहुत खाने पीने का आइटम। सो आई एम ऑल सेट फॉर अ शॉर्ट ट्रैक। और यहाँ का व्यू देखिए सामने, एंड आई एम नॉट श्योर कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर सामने स्नो के माउंटेन दिख रहे हैं मुझे। मौसम काफ़ी अमेजिंग हो रहा है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, गाड़ी बंद कर देते हैं। So this is the starting point of Raghunath Fort trek. Where you go? Coffee cafes and तो वीकडे है तो वीकडे में रश कम है, सैटरडे में काफ़ी लोग आते हैं ट्रैक करने यहाँ पे, बट आज थैंक गॉड की
काफ़ी कम लोग हैं तो काफ़ी खुला खुला लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है। रस्ते में एक गाय, क्या हो गया? ये छोटे से बच्चे ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया है, मान नहीं रही है, बहुत नॉटी है। इसको कब से बोल रहा हूँ अपने राइट में चल, भाई साहब लेफ्ट में चले जा रहे हैं। ये मेडो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्लीन है, यहाँ पे छोटे छोटे ईटरीज हैं, मैगी मोमोज सब मिल जाता है यहाँ पे। सो ये यहाँ का फर्स्ट स्टॉप है, यहाँ पे शॉप भी है, आपको कुछ खाना तो खा सकते हो। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। वेदर काफ़ी सही हो रहा था और ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी तो हमने ज़्यादा रुकना प्रेफर नहीं किया और हम आगे बढ़ गए। How are you feeling? Tired? Nice, but I want to sit little bit. You want to track little bit? Are you tired? No, I want to sit little bit. Oh, that's okay. I can track 2 hours. You can track for 2 hours? Kind of. रघुपुर फोर्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ही काफ़ी अच्छा एरिया है, यहाँ पे आप आओ तो कैंप भी कर सकते हो और अपने टेंट लगाना भी अलाउड है। और खाने के लिए छोटे छोटे कैफे बने हुए हैं, तो यहाँ से 500 मीटर अहेड रघुपुर फोर्ट मिल जाएगा। सो अभी तक की जर्नी प्लेजेंट जा रही है। वेदर हवा ठंडी है बट धूप बहुत तेज है तो गर्मी लग रही है। सो ओवरऑल आई एम एंजॉइंग दिस ट्रिप एंड वीडियो बनी रही है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, 360 डिग्री व्यू आता है यहाँ पे माउंटेन्स का। सो ऑलमोस्ट वी आर एट रघुपुर फोर्ट, वी आर एट दिस प्लेस। यहाँ से 150 मीटर अप देयर इज अ टेम्पल, उसके यहाँ ही रघुपुर फोर्ट है। सो ये कुल्लू के राजा थे, उन्होंने एक फाइट में इस जगह को कैप्चर किया था। इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से अगर आप व्यू देखोगे 360 व्यू है और यहाँ पे 9 माउंटेन रेंजेस नज़र आती हैं पूरी, पूरा देखो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, स्टॉप करते हैं। सो जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया उसके बाद अभी एक टेंपल आता है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है, जो पांडवों का अज्ञातवास था 14 ईयर्स जो था, 14 ही था ना, हाँ जो तो वो यहाँ पे आके रह चुके हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये टेंपल बनाया गया था। और यहाँ का व्यू भी Nobody can explain. बहुत सुंदर।
सामने आपको, आई एम नॉट श्योर कैमरे में कितना दिख रहा है, बट सामने वाली रेंज इज ऑल कवर्ड विद स्नो. Oops. Almost reached Raghupur Fort. यहां से स्टार्टिंग होती है वहां पर रणबीर रजोई. तो यहां पर अगर आप आ रहे हो तो जीपी में अगर आप स्टे करो, ट्रक का प्लान है तो आप होटल से चेकआउट करके सीधे यहाँ आ सकते हो. यहाँ पे कैंप्स हैं, यू कैन स्टे ओवरनाइट. 1000 rupees चार्ज करते हैं एंड दैट्स इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर. खाना सिंपल होता है, दाल में चावल रोटी सब्जी. और टेंट्स में अगर आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो. सो ओवरऑल ये है फोर्ट. फाइनली वी आर एट रघुपुर फोर्ट. यहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ है, श्रीगर श्री महाराज जी का टेम्पल है. यहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स भी है, तो काफी लोगों ने देखा कि लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है, तो प्लीज डोंट डू दैट. ओवरऑल काफी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट 600-700 years ओल्ड पुराना है. ऑलमोस्ट रियूंड हो गया है, बट इट्स अ गुड स्पॉट क्योंकि यहाँ से ओवरऑल जो व्यू आता है दैट्स अमेजिंग. व्यू देखिए आप, थोड़ा सा हम जाएंगे ऊपर. रघुपुर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन मंडी के राजा ने करवाई थी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी इन्वेजन. अब एक रियून फोर्ट है बट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट साइट है. एंड यहाँ का व्यू इज 360 डिग्री, चारों तरफ आपको माउंटेन्स दिखेंगे और ऊपर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो इफ यू कमिंग टू जीबी इट्स अ मस्ट कम प्लेस. Content person that don't forget to like, subscribe and share and hit the bell icon. So yahan se ab hum wapas jayenge and dekhte hain kya plan hai. Aaj hum stay kar rahe hain, this is our day 3 in Jibi. So hum hotel jayenge wapas, apna jo property hai, and aaj relax karenge. Dekhte hain fir dinner ke baad kitne baje sote hain. Aur kal ka hamara plan hai ki we might check out and we go somewhere else. Stay tuned, keep watching. Thank you, love you guys. प्रॉपर्टी में वापस आते ही हम आ गए अपने फेवरेट स्पॉट पे. ये पड़ता है रिवर डेल के पास. अगर आप रिवर डेल साइड रुक रहे हैं तो जगह काफ़ी शांत है और ये स्पॉट बिल्कुल पास पड़ता है. यहाँ पे बहुत कम लोग दिखते हैं, सो ओवरऑल मुझे काफ़ी सही स्पॉट लगा टू रिलैक्स. तो यहाँ पे नेचुरल पॉन्ड भी है, आप थोड़ा सा स्विम कर सकते हैं, एंजॉय. Hey guys, welcome back. So we are ending our day 3 trip in Jibi, Himachal. काफी अच्छा रहा आज का दिन. We went to Jalori Pass. उसके बाद Raghupur Fort का ट्रैक किया हमने. ट्रैक इतना टफ नहीं है, मॉडरेट है. If you're good with, even if you average with stamina, आप आराम से चले जाओगे. बैठे बैठे रेस्ट करते करते पहुंच जाओगे. And काफी अच्छा लगा मुझे वहां जाके. So वापसी आते आते हमें थोड़ा टाइम लग गया था. फिर नीचे जाना था पर ट्रैफिक था, तो वी केम बैक. लंच करने के बाद फिर थोड़ी देर हमने रिलैक्स किया, देन डिनर करके बॉनफायर डन. सो इट्स टाइम टू स्लीप. एंड ओवरऑल जी भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. बाकी हिल स्टेशन जैसा नहीं है, काफ़ी कम क्राउडेड है और वेदर जून का मौसम है, स्टिल इट्स कोल्ड आउटसाइड. तो
It's a must-come place if you're coming to Himachal. And if you like the content, please like, subscribe and share and hit the bell icon. Thanks for watching the vlog and keep watching. Love you. Jai Hind.